नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ला लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसानी से घर पे फटाफट बन जाते हैं, कम इंग्रेडिएंट्स में, सिर्फ दूध और चीनी से, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपको नहीं लगेगा कि घर का नहीं है, इतना अच्छा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल फुला फुला स्पॉन्जी देख रहे हैं, छूकर दिखाती हूँ आपको कितना स्पॉन्जी बना है। चलिए आज मैं दो इंग्रेडिएंट से बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाकर दिखाऊंगी, दूध और चीनी से। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है फुल क्रीम दूध 1 लीटर सुबह का, और इसे मैं बॉयल कर लूँगी। अच्छे से बॉयल हो जाए तो मैं गैस बंद कर दूँगी, उसके बाद मैं इसे फाड़ूंगी। यहाँ पे मैंने नींबू का रस लिया है, 1 नींबू का रस है, ये देख रहे हैं, पहले से मैंने निकाल कर रखा है। ये बॉयल हो जाएगा तो गैस बंद कर दूँगी और उसके बाद फाड़ूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाकर मैं दिखाऊंगी कुछ खास ट्रिक के साथ। तो पूरा वीडियो मेरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। देखिए दूध कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। देखिए गैस से मैंने उतार लिया दूध को। अब मैंने जो नींबू का रस रखा था यहाँ पे, एक नींबू का रस है, इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे घुमाऊंगी ताकि अच्छे से फट जाए, और अगर नहीं फटा तो फिर से गैस पे मैं चढ़ा दूंगी तो तुरंत फट जाएगा। तो इस तरह से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरा डालते जाऊंगी, अच्छे से दूध फट जाए। तो देखिए गैस पे चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा थोड़ा मैं डालते हुए मैंने इस तरह से चलाया, कितना अच्छा से फट गया है दूध, देख रहे हैं छेना बन गया है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, देख रहे हैं एक बाउल, और इसके मैंने एक छन्नी रख लिया है, और उसके ऊपर से मैंने कपड़ा रखा है। कपड़ा आप कोई सा भी कॉटन या नायलन का ले सकते हैं, इसे अच्छे से छन जाए। इस तरह से मैं छन्नी के ऊपर कपड़ा रख दिया मैंने। अब ये जो छेना है इसका पानी मैं छान लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने छान लिया है इसका पानी, देख रहा है। अब दूसरे बर्तन पर मैं इसे रख के और 2-3 पानी से इसे अच्छे से धो लूँगी छेना को, ताकि इसमें जो मैंने नींबू डाला था उसका खट्टापन दूर हो जाए। इस तरह से करते हुए मैं धो लूँगी 2-3 पानी से, और उसके बाद इसका पानी निकल जाने दूँगी, गर जाने दूँगी कपड़े का। तो देखिए कितना अच्छे से पानी निचोड़ लिया है मैंने कपड़े से छेने का, दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा हो गया। अब इसे 7 से 8 मिनट तक हाथों की तरफियों से मसलते हुए, बिल्कुल आटा के दो जैसा होता है ना, उस तरह से तैयार करूँगी। इसका खास ट्रिक है कि जितना अच्छा से ये मिलेगा उतना ही अच्छा स्पॉन्जी रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। अगर अच्छे से ये नहीं मथाया तो फिर रसगुल्ला फटने लगेगा, अच्छे नहीं होंगे, टूट जाएंगे। इस तरह से हाथों की तलहटियों से इसे मसलते हुए 7 से 8 मिनट तक मैं अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने छेना का पानी निकाला है तो इसे फेंके ना, इसे आप आटा गूंथ सकते हैं या सब्जी में डाल सकते हैं, सब्जी की ग्रेवी में, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए इसे फेंकूंगी नहीं, इसे मैं यूज कर लूँगी। आप भी इसे फेंके ना, इसका किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होता है छेना का पानी। चलिए मैं इसे 7 से 8 मिनट तक मसलते हुए इसका एक अच्छा डो तैयार कर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए कितना अच्छा से डो तैयार हो गया ना, मैंने 7 से 8 मिनट तक तलहटी से मसलते हुए इसका डो अच्छे से तैयार किया है, तभी स्पॉन्जी रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन ले लिया है, इसको मैं जला दूंगी गैस को इस तरह से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी लिया है, देख रहे हैं 300 ग्राम के लगभग है चीनी, इसे डाल दूंगी मैं। और डालने के बाद 600 ग्राम के लगभग मैं इसे पानी डाल दूंगी इस तरह से, और इसको चम्मच से चलाते हुए पिघलने दूंगी। और जब तक ये चीनी पिघल रहा है तब तक मैं यहाँ पे डो दिखा देती हूँ इस तरह से, इसका छोटे छोटे लोइया तोड़ लूंगी इस तरह से, देख रहे हैं ऐसे हाथों की तलहटी के बीच में इस तरह से गोल तैयार कर लूंगी।
एक बात का ध्यान रखना है कि फटना नहीं चाहिए, अगर फट जाएगा तो अच्छा रसगुल्ला तैयार नहीं होगा। इस तरह से गोल गोल मैं सभी को कर लूँगी, जितने डो हैं उतने छोटा छोटा। तो इसका साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मैं इतने बड़े कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं तो और बड़ा फूल के होगा। इस तरह से मैं पूरा तैयार कर लूँगी जब तक मेरा चीनी पिघल रहा है। तो देखिए इस तरह से चिकना बना के मैंने सभी को इस पानी से खोल गया था, ये चीनी का चीनी और पानी, तो इसमें मैंने डाल दिया है, देख रहे हैं। और गैस को मैंने हाई फ्लेम रखा है और इसे 5 मिनट तक इसी तरह पकाऊंगी। इसको ढक दूंगी, पूरा नहीं ढकूंगी, आधा ढक के हाई फ्लेम पे पकाऊंगी और फिर इसे पलट दूंगी, सारे रसगुल्ले को पलट के फिर पकाऊंगी 5 मिनट। टोटल 10 मिनट लगेंगे, तो चलिए 5 मिनट में पकने देती हूँ इसे। तो देखिए 5 मिनट हो गया, एक साइड से मेरा पक चुका है रसगुल्ला, तो इसे मैं पलट देती हूँ। और इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है, ये टूटना नहीं चाहिए, फट जाएगा तो फिर अच्छा नहीं तैयार होगा। एकदम हल्के हाथों से इसे पलट दीजिए इस तरह से, और फिर 5 मिनट में पका लेती हूँ ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और चाशनी इसके अंदर चला जाए। देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है रसगुल्ला, कितना इजी है बनाना स्पंजी रसगुल्ला, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से फिर से मैं ढक देती हूँ और 5 मिनट पका लेती हूँ दूसरे साइड से भी। देखिए 5 मिनट पलट के भी मैंने पका लिया, तो कितना अच्छा स्पॉन्जी रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है, देख रहे हैं फुला फुला स्पॉन्जी, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। कितना आसान है बनाना घर पे स्पॉन्जी रसगुल्ला, तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन को पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।